सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो बरेली में सपा 28 सीटों पर तो भाजपा की 12 सीटों पर जीत हुई है। बरेली से अब यह अपडेट सामने आ रहा है और देखिए अब लगभग सभी जगहों पर जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और इसी कड़ी में बरेली में भी तमाम 60 वार्डों पर अब नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसके मुताबिक यहां पर झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम सीटें मिली हैं। 60 सीटों का कुल लेखा जोखा अगर हम आपको बताएं तो 60 सीटों में से 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, तो भाजपा की 12 सीटों पर जीत हुई है। वहीं बसपा 5 और प्रसपा को 1 सीट मिली है, जबकि हम AIMIM की बात कर लें तो 1 सीट AIMIM को मिली है और 7 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। तो ये है अब तक का अपडेट बरेली का। अब बरेली में पूरी तरीके से परिणाम घोषित हो गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें ओवरऑल तो 3050 सीट है जिला पंचायत की और लगभग अब सभी के रुझान और नतीजे सामने आने लगे हैं। अब तक की बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 750 सीट पर लीड बनाए हुए है। और बात अगर करें हम समाजवादी पार्टी की तो 760 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लीड की हुई है और अगर कांग्रेस की बात करें तो 381 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने 76 पर और बसपा ने यहां पर 381 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और अगर अदर्स की बात करें, अन्य और निर्दलीय की बात करें तो 1000 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर निर्दलीय और अन्य ने बढ़त बनाई है, 1083। तो अब ये जो नतीजे हैं ये लगभग अब सामने आने लगे हैं और अब से कुछ देर बाद ये समझा जा सकता है कि स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उससे एक बात उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो गई है कि इन पंचायत चुनावों में सीधी टक्कर अगर किन्हीं पार्टी की देखी गई है तो वो है समाजवादी पार्टी और भाजपा, दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। और बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट। फिरोजाबाद में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव हार गए हैं। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव हार गए हैं। सपा के प्रशांत यादव ने करीब 11,000 वोटों से उन्हें हराया है। बड़ा फासला यहां पर वोटों का। फिरोजाबाद से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव बड़े मार्जिन से हारे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत यादव ने करीब 11,000 वोटों से जीत हासिल की है। 11,000 वोटों से हराया है मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव को। तो फिरोजाबाद से बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए, ये वो चेहरे हैं इस पंचायत चुनाव के जिन पर निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं और ये नहीं बचा पाए हैं अपने वोट को और 11,000 वोट से हार गए। फिरोजाबाद में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव हार गए हैं 11,000 वोटों से। देखिए, ये बड़ा मार्जिन है क्योंकि जिला पंचायत के चुनावों में, ग्राम पंचायतों के चुनावों में जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है और कांटे की टक्कर हर एक प्रत्याशी के बीच में देखी जाती है। लेकिन अगर फिरोजाबाद की बात करें तो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव और उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के बीच में मार्जिन बहुत ज्यादा रहा। उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने 11,000 वोट से हरा दिया है। करीब 11,000 वोट से वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव हारे हैं। तो ये बड़ा अपडेट फिरोजाबाद से, जहां पर सपा के प्रशांत यादव ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव को तकरीबन 11,000 वोट से हरा दिया है। तो बड़ा उलटफेर इस बार पंचायत चुनावों में देखने को मिल रहा है और कांटे की टक्कर, देखिए नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। कृष्णा पोरवार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, क्या जानकारी आपके पास? अमोल यादव खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं और 11,000 वोट से हारे हैं। जी, अमोल यादव यहाँ वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो कि बीजेपी से समर्थित थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो वह और उनकी माँ मीरा यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अमोल यादव वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़े हैं और मीरा यादव 11 से लड़ी हैं। ये पूर्व विधायक हैं रामवीर यादव, उनके पुत्र हैं और
इन्होंने बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो इन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया और ये करीब 11,000 वोट से सपा के प्रशांत यादव उनसे हारे हैं। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तकरीबन 11,000 वोट से हारे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं अमोल यादव, उन्होंने टिकट मांगा भाजपा से और जब भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए और इसका नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने 11,000 वोट से तकरीबन हरा दिया है। प्रशांत यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो इस वार्ड पर जीते हैं और 11,000 वोट यानी एक बड़े मार्जिन के साथ अमोल यादव को हरा दिया गया जो कि वर्तमान जिला पंचायत हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उन्हें उनके प्रतिद्वंदी कैंडिडेट यानी कि प्रशांत यादव जो कि समाजवादी पार्टी समर्पित उम्मीदवार थे उन्होंने हरा दिया है 11,000 वोट से। तो फिरोजाबाद से भी अब तकरीबन जो रुझान है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके साथ ही साथ आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार टेली देख रहे हैं, एबीपी गंगा की यही कोशिश है, इसीलिए लगातार हम ये महा कवरेज कर रहे हैं। देखिए आज तीसरा दिन हमारी इस महा कवरेज को है, बिना थके बिना रुके हम लगातार नॉन स्टॉप आप तक हर एक खबर पहुंचा रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कोरोना के इस काल में आप घर से बाहर ना निकलें और आपको घर बैठे ही अपने क्षेत्र की तमाम जानकारी मिल जाए, इसीलिए नॉन स्टॉप एबीपी गंगा की महा कवरेज जारी है। और जैसा कि हमने वादा किया था अपने दर्शकों से उसी वादे को निभाते हुए हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लगातार जारी है ये बड़ी और महा कवरेज, देखते रहिए एबीपी गंगा। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ये रहा लास्ट ऑर्डर। थैंक यू। इके 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 20 प्लेट नूडल्स ले लो। अब काम पे ध्यान नहीं दोगे क्या? दूंगा, दाग पे नहीं दूंगा। निर्मा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स, सिद्धि दाग मिटाए बड़ी आसानी से। निर्मा एडवांस। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा फसलों में कोई रोग ना होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। फसलों की जान फ्यूराडान, वर्षों से किसानों की नंबर एक पसंद। फ्यूराडान 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 आपके नजदीकी विक्रेता के यहाँ उपलब्ध है। सियासत वो जिसका आपसे सरोकार, सिस्टम वो जो आपके लिए जिम्मेदार, खबर वो जो आपके लिए असरदार, सच की उम्मीद जगाने वाली खबर, हक के लिए हौसला बढ़ाने वाली खबर,
सुनो यूपी रोज सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेगा कवरेज एबीपी गंगा की लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं, मतगणना से जुड़े हुए अपडेट आपको देंगे, लेकिन इस बीच सीधा राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। पैसा मिल गया, पैसा तो आ गया मेरा 1 तारीख को। ठीक है, बहुत सुंदर। तो पैसा जो है आप इस समय ये मास्क हमेशा पहन रहे हैं ना? आप हमेशा पहन के रात निकाल देते हैं। पहन करके रखिए, परिवार के लोगों को पहन करके रखवाइए और लोगों को भी मास्क पहन करके, और जहाँ पे लोग दुकान वाले हैं या लेन देन करते हैं उन लोगों को कहें कि मास्क के साथ साथ हाथ में ग्लव्स भी पहने। ठीक है, किसानों किसानों को बैठने की व्यवस्था है, किसान भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, अन्य चीजों की व्यवस्था है या नहीं है? ठीक है, और वहाँ पे तो शाहजहांपुर से खन्ना जी आए थे कि आए थे रिक्शा में? अभी ऐसा हो, यहाँ इस समय उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल की ड्यूटी पे लगाया हुआ है। ये जितना भी ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ रहे हैं, दवा जा रही है, उन्हीं को हमने इसकी ड्यूटी पे लगाया है। पूरे प्रदेश के अंदर वो इस व्यवस्था को लगाने लगे हुए हैं। कब तो बरेली में भी और उस मंडल में, बरेली में और मुरादाबाद दोनों जगह ऑक्सीजन ट्रेन पहुंची होगी। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन ट्रेन से पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के प्रति हम लोगों को जितना जागरूक कर पाएंगे ना, क्योंकि है क्या कि मरीज कई गुना बढ़ गए हैं और हर एक मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारे पास पहले उत्पादन होती थी ऑक्सीजन, उससे कई ज्यादा खपत होने के नाते हमें बाहर से ट्रेन से और वायुसेना के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। आप देख रहे हो कि पहले ट्रेन में ऑक्सीजन जाता था क्या? पहली बात, ऑक्सीजन भी ट्रेन से मंगाई जा रही है, इसीलिए जिससे जनता को कोई समस्या ना हो, उनकी समस्याओं को कम से कम किया जा सके, एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप लोग भी अगर सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई मास्क को पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अगर अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, ये लोग घर से बाहर ना निकले, घर में भी मास्क लगा करके रखें। इन सब चीजों की जानकारी और शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उसका पालन सभी लोग करेंगे, ये मान के चलिए कि कोरोना भी नियंत्रित होगा और फिर सभी प्रकार की संसाधन को सरकार को जुटाने में मदद भी मिल जाएगी। उन चीजों के लिए हमें पब्लिक को भी जागरूक करना पड़ेगा, स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक संसाधन जुटा करके जनता की जो मांग है उसको हम पूरा करने में योगदान दे सकेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। बोलिए जसवंत सिंह। हाँ नमस्ते, कैसे हैं जसवंत सिंह जी? कैसे हैं आप? बढ़िया है। और कैसे अलीगढ़ में कैसे चल रहा है? आप मास्क हम लगा के हमेशा रखते हैं?
परिवार के लिए सभी लोग मास्क पहनते हैं ना? सभी लोग मास्क और सुनना, जब क्रय केंद्र में आप आए थे तो तब भी मास्क पहने थे कि नहीं पहने थे? कितना कितना गेहूँ बेचा आपने? 30 इसका पैसा कब बेचा है? पहुँच गया पैसा ना? ठीक है, पैसा कम तो नहीं है? पैसा कम तो नहीं है? जितना ठीक है, सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने 1975 रुपये प्रति क्विंटल किसान को देने की व्यवस्था की है। जो समर्थन मूल्य है 1975 रुपये प्रति क्विंटल है ना, उस हिसाब से आपके खाते में पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आपने देखा? ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक आप सभी किसान भाई करेंगे, अलीगढ़ में, अतरौली में, आसपास के क्षेत्रों में करेंगे, तो हम कोरोना से लड़ाई को जीतने में सफल होंगे और आप सभी लोग जो है स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के प्रति जागरूक करेंगे तो ये लड़ाई हम आसानी से जीतने में सफल होंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। बाराबंकी के मजीठा सेंटर से श्री शिवम कुमार जी। शिवम कुमार जी, बाराबंकी। वीडियो ऑन करो, वीडियो। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे चल रहा है आपके यहाँ क्रय केंद्र की स्थिति क्या है? आप लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? आप आपके साथ जितने किसान भाई बैठे हैं सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है? ये रोज पहनते हैं? झांसी का सेंटर पुष्पेंद्र तिवारी जी। जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं पुष्पेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया है। आप लोग सभी मास्क हमेशा पहन रहे हैं ना? ये माइक ऑन कर दीजिए अपना। जब से घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहनते घर में, घर में भी पहनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि आपके यहाँ क्रय केंद्र ठीक ढंग से काम कर रहा है? हाँ सर, बढ़िया क्रय केंद्र काम कर रहा है, सभी किसानों को बहुत सुविधा मिली है आपकी इस योजना से। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबकी तलाई नियमित चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोरोना के नियमों का पालन भी करें और सरकार आप लोगों की सेवा के लिए इसी प्रकार से तत्पर होकर के कार्य करेगी। इसीलिए मैंने आज आप सभी लोगों से अधिक मेरी सभी केंद्रों से संपर्क करने का मेरा संवाद बनाने का उठा, लेकिन क्योंकि समय की सीमा आपके सामने भी है और हम लोग कोरोना से जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप लोगों के उसमें कोई समस्या हो तो ये जानकारी लेने के लिए मैंने दिया है। आपको तिवारी जी, आपको और आपके सभी किसान भाइयों को बचाव के लिए अपील करते हुए मैं हृदय से इन क्रय केंद्रों के माध्यम से जो सेवा आप लोगों की हो रही है इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुजफ्फरनगर जानसर से श्री प्रमोद कुमार जी। मुजफ्फरनगर, नमस्कार जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप प्रमोद जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपके यहाँ क्रय केंद्र काम कर रहा है? बहुत बढ़िया कर रहा है। कितना गेहूँ क्रय हुआ होगा आपको कुछ मालूम है उसके क्रय केंद्र पर? बहुत
22 के आसपास हुआ है, 2200 क्विंटल। आपने आपने अपना गेहूं बेचा? आज मैंने अपना गेहूं बेचा 22 तारीख को। कितना गेहूं बेचा है? 70 किलो, 70 क्विंटल, 50 किलो। आपका पैसा आपको मिल गया कि नहीं मिला है? चलिए बहुत सुंदर, आपको बधाई, आपके परिवार के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। आप सभी लोग मंगल, आपके सबका जीवन मंगल में हो और आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने परिवार को और समाज को भी खुशहाल रख सकेंगे। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, सभी किसान भाइयों के प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय राज्य मंत्री जी भी इसमें जुड़ गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि किसान भाई सर हमारे काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, हमारे केंद्र पर भाई भी जुड़े हुए हैं, और अगर आप अपना आशीर्वचन कहेंगे तो उनका उत्साह। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त सुन रहे थे, जो कि संवाद कर रहे थे किसानों से और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितना उनको मुनाफा मिल रहा है और जो सुविधाएं चलाई जा रही हैं क्या वो सुविधा उन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए बीपी गंगा। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज, एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। डायबिटीज के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मधुनाशिनी व मधुग्रीन, तथा बीपी के प्रभावी समाधान के लिए है मुक्तावटी व बीपी ग्रिट। ये औषधियां पतंजलि स्टोर्स के साथ मेडिकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। जिंदगी के सफर में हद से ज्यादा मेहनत मशक्कत की तो लोगों ने नाम रखा कोल्हू का बैन, वर्कहोलिक, लेकिन इसके पीछे छिपी दीवानगी समझने वाले कम ही होते हैं। लोग आपको याद दिलाएंगे कि आपका शहर और आपकी शुरुआत कितनी छोटी थी, पर उन्हें कामयाबी का ऐसा स्वाद चखाइए कि उन्हें आपका शहर और आपकी शुरुआत दोनों ही याद रखनी पड़े। कैसे भूल सकता हूँ माँ की प्रार्थनाओं और पूजा के दीयों की वो महक, जो गांव की नाटक मंडली से लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक साथ रही। कामयाबी से ज्यादा कमियां याद रखें, इसलिए ताकि नाम जितना ऊंचा हो पांव जमीन पर ही रहे। मेहनत के जुनून से कामयाबी के सुकून तक हमारी पहचान का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। बैल कोल्हू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। हमारे देश में मोड़ ही मोड़ है। कभी 22 वाला मोड़, गोल चक्कर वाला मोड़, म्युनिसिपैलिटी वाला मोड़, अरे मेरा किराया वाला मोड़, रोड गुल वाला मोड़, टनल में मोड़, पार्किंग में मोड़, कुत्तों के चेज वाला मोड़। Why don't you like my face वाला मोड़।
a wide range of tires jo de har mod pe confidence. TVS Eurogrip tires. Tires for a country full of turns. सियासत वो जिसका आपसे सरोकार हो, सिस्टम वो जो आपके लिए जिम्मेदार हो, खबर वो जो आपके लिए असरदार हो, सच की उम्मीद जगाने वाली खबर, हक के लिए हौसला जगाने वाली खबर। सुनो यूपी रोज सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। खबर कह के लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट। यहाँ है फूड विद देश का मूड। कॉम्प्लिकेशंस होंगी आसान। वी विल गिव यू बिन मांगा ज्ञान। एंटरटेनमेंट को करेंगे अनलॉक। बाय द वे वी आल्सो हैव टेक टॉक। स्टीरियोटाइप्स होंगे ब्रेक। तू कट गया देख। नो स्टूडियो की चीखम चिल्ली। खबर की बात तमीज से होगी। काफी कट चुका यार, अब देख अनकट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संवाद कर रहे हैं। समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है और समस्या के समाधान करने के लिए ही आज हम सब आपका आह्वान करने के लिए यहां पर खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण आपके साथ जुड़े हैं। मुझे भी आपके साथ मिलने में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 अप्रैल को सर्वाधिक केस थे उत्तर प्रदेश में, यानी उस दिन प्रदेश में जो है 38,000 केस एक ही दिन में आए थे। 38,000 केस एक दिन में आए थे और आज वह घटते घटते आज जो केस आए हैं 24 घंटे में वे आए हैं मात्र 25,000, यानी 13,000 से अधिक केस एक दिन, यानी इतने दिनों में कम होते हुए आए हैं। ये लगातार कम हुए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ केस कम होते हुए गए हैं। हमारे पास जो एक्टिव केस थे पूरे प्रदेश में, वह एक समय ऐसा भी आया था जब 3,09,000 से अधिक एक्टिव केस पूरे प्रदेश में थे। आज के दिन पर यह घट करके 2,72,000 तक आ गए हैं। यानी लगातार पिछले आप देख सकते हैं कि ये संख्या लगभग 35,000 से 40,000 संख्या कम होती भी दिखाई दी है। ये एक अच्छे लक्षण है और इस पे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, अगर इन नियमों का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे तो कोरोना से इस लड़ाई को हमें जीतने में मदद मिल सकती है। और उसी दिशा से मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम क्रय केंद्रों में जब आए तो इस बात का जरूर ध्यान दे कि क्रय केंद्र मास्क जरूर पहने, जहां पे जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है वो हैंड ग्लव्स जरूर धारण करें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें। हमने हर क्रय केंद्रों में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। एक आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर 5,575 क्रय केंद्र हम लोगों ने इस कोरोना में भी बनाए हैं और कोरोना कालखंड में हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन तब भी उन केंद्रों को संचालन करके वे कर रहे हैं जिससे किसान भाइयों को कोई परेशानी न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल हरेक किसान को देने का प्रयास दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है।
कि 72 घंटे के अंदर ये पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 82-83% किसानों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। अभी ये चीज और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये 15 जून तक ये कार्रवाई हमारी चलेगी और इसमें हम लोग अपनी बारी या पहले से हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके अगर इन चीजों को हम कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार आप देख रहे होंगे हम लोगों ने पहले चरण में जैसे कोटे की दुकान में ई पॉस मशीन लगाई थी, जिससे जो हेराफेरी होती थी उन हेराफेरी को रोक करके हर उपभोक्ता को हम उसका खाद मिलने वाला खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकें। और इस बार क्रय केंद्रों में भी ई पॉप मशीन लगा दी गई है और ई पॉप मशीन के माध्यम से प्रयास हो रहा है कि हर एक किसान को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उसकी उपज को तोलना और फिर पर्ची देकर के 72 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा उपलब्ध हो जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता इसमें प्राप्त हुई है। इसमें यानी जो अब तक मेरे सामने आंकड़े हैं वह है अब तक लगभग 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक की जा चुकी है, जिसमें 2,60,000 से अधिक किसान इससे लाभ 2,60,000 से अधिक किसानों से ये क्रय किया गया है, जिसमें कि जो किसान हैं इसमें लगभग 54,000 के आसपास किसान सीमांत किसान हैं और 87,000 से ज़्यादा किसान लघु श्रेणी के किसान हैं जिन किसानों को इन सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। अगर हम गत वर्ष की तुलना में देखें, यानी गत वर्ष इस दौरान लॉकडाउन था और लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने गत वर्ष भी किसानों को समस्या नहीं होने दी थी, तब भी हमने प्रोक्योर किया था। इस वर्ष पिछले साल से ज्यादा खतरनाक वेव है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगनी खरीद अब तक की जा चुकी है और ये लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं हर एक क्रय केंद्र में। ये क्रय केंद्र जो संचालित हो रहे हैं इसमें हमारे जो विपणन शाखा उसकी तरफ से हैं, पीसीएफ के हैं, यूपीएसएस के हैं, यूपीसीयू के हैं, एफसीआई के हैं और भी अन्य संगठन इसमें लगे हुए हैं जो लगातार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो ये बता रहे हैं कि कोरोना के इस काल में लगातार सरकार सक्रिय है और लोगों की मदद की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मतगणना से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर अंबेडकर नगर से मिल रही है। वहां पर भी अब जो नतीजे हैं वो घोषित होने लगे। अंबेडकर नगर जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर की सभी 41 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। सभी 41 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अंबेडकर नगर की 23 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया है, यानी यहां पर भी निर्दलियों का बोलबाला है। समाजवादी पार्टी 9 और बसपा 7 सीटों पर विजयी हुई। यज्ञेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। यज्ञेश, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, हम आपको बता दें यहाँ पे हमेशा से सपा और बसपा का कब्जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ 2 विधायक भाजपा के हैं, फिर भी भाजपा के 2 प्रत्याशी सिर्फ जीते हैं। यहाँ तक कि जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के, जिन्होंने सिर्फ अपनी अध्यक्ष के पद इसलिए छोड़ा था चुनाव लड़ने के लिए, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनकी भी वो भी अपनी सीट हार गए। और देखा जाए तो निर्दल प्रत्याशी यहाँ पे सबसे अधिक चुनाव में कंटेस्ट किए हैं और उन्होंने सबसे अधिक सीटों पर कब्जा किया है। हालांकि सपा के कुछ बागी प्रत्याशी थे जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए थे और सपा कहीं ना कहीं से इनको अपने पाले में करने के लिए हर प्रयास कर रही है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए यज्ञेश। तो अंबेडकर नगर की सभी 41 सीटों के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। और कानपुर से भी अब अपडेट मिल रहा है। कानपुर में भी जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। कानपुर जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट आपको दे दें। कानपुर नगर 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, रुझान अभी तक वहां से सामने आ रहे हैं। कानपुर नगर की 8 सीटों पर भाजपा और 6 सीटों पर बसपा जीत हासिल कर चुकी है। कानपुर नगर की अन्य 7 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है, तो ये
अपडेट आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर जिला पंचायत चुनाव मतगणना का ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दें। कानपुर नगर की 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं, जबकि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा 8 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि 6 सीटें बसपा के खाते में भी गई हैं। कानपुर नगर की जो अन्य 7 सीट है उन पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। तो ये है कानपुर का अपडेट, कानपुर में किस तरीके से चुनाव रहा है, किस तरीके से जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। आपको बता दें कि कानपुर नगर की 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आगे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं। अगर हम बात कर लें भाजपा की तो 6 सीटों पर भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर बसपा की तो बसपा ने भी यहां खाता खोला है और 7 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। तो कानपुर नगर की 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने 8 सीटों पर कब्जा किया है और 6 सीटें बसपा ने जीती हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी भी 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं। तो कानपुर से भी अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद यानी कुछ ही घंटों बाद ये समझा जा सकता है कि जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और जो अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर टेली के जरिए रुझान देख रहे होंगे वो अब से कुछ देर बाद यानी कुछ ही घंटों बाद नतीजों में तब्दील होते हुए आपको नजर आएंगे। अभी तक का जो ओवरऑल अपडेट है वो ये है कि 3050 सीटों में से 764 सीटें भाजपा के पास है, यानी भाजपा इन पर बढ़त बनाई हुई है, और 762 सीट पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, और 369 सीटों पर बसपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बना रखी है। कांग्रेस ने 80 और अदर्स के पास 1075 सीटें हैं। अब ये अदर्स और जो निर्दलीय हैं ये मिलकर इस चुनाव को कितना दिलचस्प बनाते हैं जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपना अपना दावा इन निर्दलीय प्रत्याशियों पर ठोक रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका कहना है कि उनके समर्थित ये निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने में मिलाने के बाद कौन सा राजनीतिक दल है जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर इन चुनावों में उभरेगा। बहरहाल अभी तक का जो अपडेट है, अभी तक का जो ओवरऑल अपडेट है वो यही बताता है कि अभी भाजपा समाजवादी पार्टी से पीछे चल रही है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 सीटों का मार्जिन है। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डायबिटीज के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मधुनाशिनी व मधुग्रीन। द
तथा बीपी के प्रभावी समाधान के लिए है मुक्तावटी व बीपी ग्रिट। ये औषधियाँ पतंजलि स्टोर्स के साथ मेडिकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। policybazaar.com पर 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके घर बैठे खरीदिए। policybazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। वीवो लाया है भारत का पहला 44 मेगापिक्सल नाइट OIS सेल्फी ऑटोफोकस कैमरा फोन वीवो V21 5G सीरीज। अभी बुक करें और पाए मौका दूसरा वीवो V21 जीतने का। फसलों की जान फ्यूराडान, वर्षों से किसानों की नंबर एक पसंद फ्यूराडान 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 आपके नजदीकी विक्रेता के यहाँ उपलब्ध है। और ये रहा लास्ट ऑर्डर। थैंक यू। एक 20 प्लेट नूडल्स ले लो। अब काम पे ध्यान नहीं दोगे क्या? दूंगा, दाग पे नहीं दूंगा। निर्मा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स, सिद्धि दाग मिटाए बड़ी आसानी से। निर्मा एडवांस। सियासत वो जिसका आपसे सरोकार हो, सिस्टम वो जो आपके लिए जिम्मेदार हो, खबर वो जो आपके लिए असरदार हो। सच की उम्मीद जगाने वाली खबर, हक के लिए हौसला जगाने वाली खबर। सुनो यूपी रोज सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ ABP गंगा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार ये बड़ी कवरेज, नॉनस्टॉप कवरेज एबीपी गंगा पर जारी है, जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, झांसी जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। झांसी की सभी 24 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं। और नतीजे कुछ इस तरीके से हैं। भाजपा 8 सीटों पर जीती है, तो समाजवादी पार्टी को भी 8 सीटों पर जीत मिली है। BSP को 5 सीटें मिली है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। झांसी की सभी जिला पंचायत सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कुल 24 सीटें हैं झांसी में, जिन पर अब नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। नतीजों में भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों बराबर सीटों पर जीत पाई है। 8 सीट पर कब्जा भाजपा ने किया है, तो 8 सीट पर ही कब्जा समाजवादी पार्टी ने किया है, जबकि BSP को 5 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो ये बड़ा अपडेट झांसी जिला पंचायत से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं। 24 सीटें कुल झांसी में, और 24 सीटों पर अब नतीजों का ऐलान कर दिया गया है, नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक भाजपा और समाजवादी पार्टी 8-8 सीटें जीती हैं, जबकि बसपा के खाते में 5 सीटें गई हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। यानी कांग्रेस ने 1 सीट पर अपना खाता जरूर खोल लिया है, लेकिन झांसी में बराबरी की टक्कर रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा में दोनों ही दल 8-8 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। दोनों ही दलों ने 8-8 सीटों पर कब्जा किया है। तो झांसी में अब तमाम जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। तमाम सीटों के 8 सीट भाजपा ने अपने खाते में की हैं, जबकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी 8 सीटें अपने नाम की हैं। बसपा 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है और कांग्रेस 1 पर। कुल 24 वार्ड हैं झांसी में, कुल 24 वार्ड हैं झांसी में, और इन तमाम वार्डों पर अब जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक 8 सीट पर बीजेपी है, तो 8 सीट पर समाजवादी पार्टी, 5 पर बसपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। ये है झांसी का पूरा रिजल्ट जो अब घोषित हो चुका है। और इसी तरीके से हर एक सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं पर 1-2 सीट से आगे पीछे का खेल चल रहा है, तो कहीं पर बराबरी पर हैं दोनों ही दल। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पर जीती है झांसी में, तो 8 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में की हैं। बसपा 5 सीट लेकर यहां पर विजयी हुई है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी 1 सीट पर जीता है। ये झांसी का पूरा रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब जो रुझान है 3050 सीटों के, वो अब नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं, और धीरे धीरे करके अब बड़े अपडेट्स आने लगे हैं। झांसी से अपडेट, तमाम जो 24 वार्ड हैं वहां पर नतीजे घोषित हो गए हैं, और नतीजे हैं 8 पर BJP, 8 पर समाजवादी पार्टी, 5 पर BSP और 1 पर कांग्रेस। इतने इतने प्रत्याशी हर एक दल के जीते हैं। वार्ड 8 वार्ड पर BJP ने कब्जा किया है, 8 वार्ड पर समाजवादी पार्टी ने, 5 प्रत्याशी बसपा के और 1 प्रत्याशी कांग्रेस का जीता है।
ये झांसी का पूरा लेखा जोखा है। और इसके अलावा अगर आपको अपने क्षेत्र के अनुसार अपने जिले में कितने बीजेपी ने हासिल किए हैं, कितने समाजवादी पार्टी ने हासिल किए हैं, ये जानना है तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों साइड चल रही टैली के जरिए समझ सकते हैं। जहां पूर्वांचल के अलग अलग जिलों की तस्वीर साफ कर रहे हैं और आपको वार्ड वाइज बता रहे हैं, तो वहीं हम दूसरी तरफ अवध में किस तरीके के हालात रहे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। तो लगातार टैली अब बदल रही है और अब बहुत जल्द यानी कुछ ही घंटों में ये जो रुझान है पूरी तरीके से नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और तब ये स्थिति साफ हो पाएगी। और अभी तक का जो अपडेट है वो अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और अब फरुखाबाद से अगली खबर मिल रही है, फरुखाबाद से अगला अपडेट मिल रहा है। फरुखाबाद में भी जो नतीजे हैं वो अब घोषित होना शुरू हो गए हैं। फरुखाबाद में भी जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है और वो बड़ा अपडेट ये है कि 30 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सभी 30 सीटें यानी फरुखाबाद में 30 सीटें हैं और इन 30 सीटों में से आधी सीटों पर यानी 15 सीट पर निर्दलियों ने अपना कब्जा किया है। कुल 30 वार्ड हैं फरुखाबाद में। भाजपा को 3 सीटें मिली हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी यहां दूसरे नंबर पर है। 10 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, बसपा को 2 और कांग्रेस का खाता भी फरुखाबाद में नहीं खुला है। तो ये बड़ा अपडेट आपको फरुखाबाद से दे रहे हैं। फरुखाबाद में कुल 30 वार्ड हैं, 3 में से आधी सीट यानी 15 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है, यानी इंडिपेंडेंट चेहरे यहां पर जीते हैं जिनका किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं है। तो वहीं बात कर लें हम समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें अपने नाम की हैं और भाजपा यहां पर काफी पिछड़ गई है। भाजपा को यहां से काफी झटका लगा है। भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं यानी सिर्फ 3 वार्ड पर खाता खोला है भाजपा ने और बसपा को यहां 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस फरुखाबाद में खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ये है फरुखाबाद के पूरे नतीजे। फरुखाबाद में 30 सीटें हैं, 30 सीटों में जो आधी सीटें हैं यानी 15 सीट उन पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। अगर हम बात कर लें बाकी सीटों की, तो बाकी सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ है कि 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, भाजपा को 3 सीटें मिली हैं और बसपा की अगर बात कर लें तो 2 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई है। तो यह है फरुखाबाद का पूरा रिजल्ट। तो अब देखिए अमूमन तमाम जो जिले हैं वहां से अब नतीजे घोषित होने की खबर सामने आने लगी है। फरुखाबाद में भी नतीजे घोषित हो चुके हैं और अब जो टैली है वो बदलने लगी है। जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर की टैली देख रहे हैं उसमें आप बदलाव देख पा रहे होंगे। भाजपा एक बार फिर से पीछे हो गई है, 750 सीट भाजपा के कब्जे में अभी तक आती हुई नजर आ रही हैं रुझानों के मुताबिक। और समाजवादी पार्टी 760 यानी 10 सीटों का फासला दोनों ही पार्टियों में आ गया है। बात अगर बसपा की करें यानी बहुजन समाज पार्टी की करें तो 381 सीटें रुझानों में बसपा के पास आती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस को देखिए यहां पर झटका लग रहा है क्योंकि कांग्रेस घट गई है। अभी तक 80 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी थी लेकिन ये घटकर 76 हो गया है, यानी 76 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। जबकि हम अदर्स की बात करें यानी छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो 1083 सीटों पर इन्होंने बढ़त बनाई हुई है। तो ये ओवरऑल अपडेट है, यानी सीधी टक्कर अगर किसी में है तो वो समाजवादी पार्टी और भाजपा में नजर आ रही है। और ये पंचायत चुनाव बहुत अहम है क्योंकि ये पंचायत चुनाव ठीक 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं और इसीलिए इन्हें 2022 का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। और अब फरुखाबाद की बात, फिरोजाबाद का भी अपडेट आपको दे देते हैं। यहां से भी अब रिजल्ट घोषित होने की जो खबर है वो सामने आने लगी है, यानी नतीजे घोषित होने की खबर सामने आने लगी है। जिला पंचायत चुनाव पर ये अपडेट आपको दे रहे हैं। फिरोजाबाद में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव हार गए हैं और उन्हें सपा के प्रशांत यादव ने करीब 11,000 वोटों से हराया है। ये अपडेट है, देखिए वर्तमान जिला पंचायत जो कि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए लेकिन सपा के कैंडिडेट ने इन्हें धूल चिटा दी है। 11,000 वोट से सपा के उम्मीदवार ने हरा दिया है अमोल यादव को। सपा के प्रत्याशी प्रशांत यादव जिन्होंने करीब 11,000 वोट से हरा दिया है निर्दलीय प्रत्याशी और वर्तमान जिला अध्यक्ष अमोल यादव को। 11,000 का फासला बड़ा फासला है पंचायत चुनावों में क्योंकि अमूमन जो टक्कर है वो सीधी देखी जाती है और मार्जिन बहुत कम रहता है।
और देखिए बरेली से भी उलटफेर की खबर मिल रही है। बरेली से भी जो ताजा अपडेट मिल रहा है वो हम आपको बता देते हैं। बरेली का ताजा अपडेट क्या है, बरेली में भी अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं और इन्हीं से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बरेली जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट आपको बता दें, बरेली के सभी 60 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 60 वार्ड हैं बरेली में जिनके नतीजे सामने आने लगे हैं। 28 पर सपा ने जीत हासिल की है जबकि भाजपा के खाते में कम सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बसपा की बात करें तो 5 सीटों पर बसपा जीती है और प्रसपा को यहां पर उनका भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM 1 पर और निर्दलीय 7 सीटों पर विजयी हुए हैं। ये बरेली का अपडेट आपको बता रहे हैं। 60 वार्ड हैं यानी 60 वार्ड हैं, 60 सीटें हैं यहाँ पर और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से, ये कहा जा सकता है क्योंकि 60 में से 28 सीटों पर सपा, तो भाजपा को सिर्फ 12 ही सीटें मिली हैं। यानी भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो 12 सीटों पर जीत पाए हैं। बरेली में बसपा ने 5, प्रसपा को 1 सीट मिली है। AIMIM ने भी खाता खोल लिया है 1 सीट के साथ और निर्दलीय 7 सीटों पर जीते हैं। यानी भाजपा के गढ़ में लगातार सेंधमारी समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है एबीपी गंगा पर, बने रहिए हमारे साथ। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। टीहू का सपना जिम्नास्ट बनने का था लेकिन उसने खुद को समझाया कि हर सपना पूरा थोड़ी ना होता है। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है, इसीलिए अपनाइए महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें है पूफा जो मेंटेन करे हार्ट हेल्थ और विटामिन ए और डी जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियां मजबूत। बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाइए महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। फिट है तो फ्यूचर है। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। policybazaar.com पर 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके घर बैठे खरीदिए। policybazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। Jet like God, Aero, the breathing vest. अब है तेरी बारी, swipe for जानकारी। कैसे नेता देश चलाते जानते रहो, कैसे सेलेब बाल बनाते जानते रहो, लेटेस्ट टेक के कहां से लाते जानते रहो, लोग आजकल किधर को जाते जानते रहो।
भी जानते रहो, किधर भी कैसे भी जानते रहो, सही वाली जानकारी जानते रहो, तेरी भाषा में हो, skip the FOMO, let's roll and know. जानते रहो, सारा जानते रहो, ABB Life के साथ. ABP Live app download karo aur jaante raho. Siyasat wo jiska aap se sarokar ho, system wo jo aapke liye zimmedar ho, khabar wo jo aapke liye asardar ho, sach ki ummeed jagane wali khabar, haq ke liye hausla badhane wali khabar. Suno UP roz subah 9 baje aur sham 7 baje sirf ABP Ganga par. टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज. एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट. विजय तिलक लगातार. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी. यूपी के जिला पंचायत चुनाव में कांटे की टक्कर, मतगणना के रुझानों में सपा सबसे आगे. बीजेपी ने किया 900 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा. मतगणना के आखिरी नतीजे पर टिकी सभी की निगाह. पंचायत चुनावों की काउंटिंग पर एबीपी गंगा की महाकवरेज जारी. लगातार सबसे पहले अपडेट दे रहा एबीपी गंगा. अब तक के रुझानों में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर. अपने घर सैफई में हारे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रत्याशी. सैफई प्रथम सीट से प्रेम सागर तो जसवंत नगर द्वितीय सीट से सीमा यादव हारी चुनाव. दोनों सीटों पर प्रसपा का कब्जा. और यूपी के मीडिया कर्मियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला. सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को वैक्सीनेशन के दिए निर्देश. टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज. 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज. एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट. विजय तिलक लगातार. स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीपी गंगा में. साथ में मैं हूं आपके साथ प्राची पारुशर. लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है जिसमें हम आपको दे रहे हैं पल पल की अपडेट. और इस वक्त बड़ी खबर इटावा से जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट. अपने घर सैफई में हारे अखिलेश के प्रत्याशी और शिवपाल समर्थक प्रत्याशियों ने सपा के प्रत्याशियों को हरा दिया है. यानी चाचा की जीत और भतीजे की हार हुई है. सैफई प्रथम सीट से सपा प्रत्याशी प्रेम सागर हार गए हैं और प्रसपा के प्रत्याशी अरविंद यादव ने हराया है. जसवंत नगर द्वितीय सीट से भी सपा प्रत्याशी की हार हो गई है. अरविंद यादव को शिवपाल के प्रत्याशी सीमा यादव ने हराया है. तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं. जसवंत नगर द्वितीय सीट से भी सपा प्रत्याशी की हार हो गई है. यानी अपने घर सैफई में अखिलेश यादव के प्रत्याशी हार गए हैं और यहां पर जीते हैं प्रसपा के प्रत्याशी. यानी चाचा ने भतीजे को मात दे दी है. अपने घर सैफई में अखिलेश यादव के प्रत्याशी हार गए. सैफई प्रथम सीट से सपा प्रत्याशी प्रेम सागर हार गए हैं. प्रेम सागर यहां से चुनाव लड़े थे. प्रसपा के प्रत्याशी अरविंद यादव ने हराया है.
चुनाव मतगणना पर ये अहम अपडेट। अपने घर सिपाही में हार गए हैं अखिलेश यादव के प्रत्याशी और उन्हें प्रसपा के प्रत्याशी ने धूल चटाई है। सिपाही प्रथम सीट से सपा प्रत्याशी हार गए। और बड़ी खबर देवरिया से, जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट देवरिया से मिल रहा है। देवरिया के सभी 56 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। कुल 56 वार्ड और 56 वार्ड पर नतीजे घोषित हो गए हैं। देवरिया में निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। देवरिया में निर्दलीय और बागी मिलाकर कुल 26 वार्ड में जीते हैं, यानी 26 वार्ड पर इन निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों ने कब्जा किया है, जबकि सपा को 15, बसपा को 7 और भाजपा को 6 वार्ड में जीत मिली है। यानी यहां पर चौथे नंबर पर है भाजपा, पहले नंबर पर है निर्दलीय प्रत्याशी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर बसपा और फिर उसके बाद अगर नंबर आता है तो नंबर आता है भाजपा का। कुल 56 सीटों का ये हाल है, 56 सीटों के ये आंकड़े हैं। निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों का दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने सीटों पर कब्जा किया, 26 वार्ड, कुल 26 वार्ड पर कब्जा किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी देवरिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा चौथे नंबर की पार्टी बनी, यानी चौथे नंबर पर है भाजपा। सबसे पहले नंबर आता है बागी और निर्दलियों का, जिन्होंने 56 वार्ड में से, आपको बता दें 56 वार्ड है टोटल, और उनमें से निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों ने अपना दबदबा कायम करते हुए 26 वार्ड पर जीत हासिल की है। यानी 56 में से 26 वार्ड निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, सपा को 15 सीट मिली है और बसपा को 7, जबकि भाजपा को यहां पर मिली है 6 सीट, यानी भाजपा चौथे नंबर पर है। भाजपा बहुत पीछे खिसक गई है, देवरिया में झटका लगा है भाजपा को, ये कहे तो गलत नहीं होगा। देवरिया के सभी 56 वार्ड के नतीजे आ गए हैं और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे अब हमारी टैली में भी बदलाव हो रहा है। आप जो टैली देख रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा एक बार फिर से पिछड़ गई है। 750 सीटों पर भाजपा रुझानों में आगे है, समाजवादी पार्टी 760 सीटों पर आगे है। हम बात करें अगर बसपा की तो 381 सीटों पर बसपा आगे है और कांग्रेस 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि निर्दलीय और अन्य जो हैं उनकी हम बात कर लें तो 1083 सीटों पर वो आगे हैं। देवरिया जिला पंचायत का क्या हाल है ये भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी कुल 6 सीटें जीती है 56 सीटों में से, सपा 15 सीट जीती है, बसपा 7, कांग्रेस 2 सीट जीती है और निर्दलीय और बाकी सबसे ज्यादा 26 सीट यहाँ पर जीते। तो अब से कुछ देर बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। कुछ ही घंटों का इंतजार यहां पर कहा जा सकता है जब पूरी तरीके से रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन अभी तक के जो रुझान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर पंचायत चुनावों में उभर रही है समाजवादी पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है, अभी लीड समाजवादी पार्टी ने ले रखी है। हालांकि 10 सीटों की लीड है क्योंकि भाजपा 750 सीटों पर है और सपा 760। और अब बलरामपुर से भी जानकारी मिल रही है, यानी बलरामपुर में भी जो रुझान है अब नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। बलरामपुर में कुल 60 वार्ड हैं, यानी 60 सीट हैं, माफ कीजिएगा 40 सीट हैं, कुल 40 सीट हैं बलरामपुर में और भाजपा ने यहां पर 6 सीटें जीती हैं। यहां पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है, 11 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती और बसपा ने यहां पर अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि सिर्फ 1 सीट कम है बसपा समाजवादी पार्टी से। 10 सीट पर बसपा के प्रत्याशियों ने कब्जा किया है, 1 सीट पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 12 सीट गई है, यानी निर्दलीय और जो अन्य है वो सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। 40 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा, जहां पर सबसे पीछे अगर कोई नजर आता है कांग्रेस के बाद तो वो है भाजपा। 11 वार्ड में भाजपा जीती है, यानी माफ कीजिएगा सपा जीती है, यानी सपा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 10 पर बसपा और भाजपा 6 सीटों पर जीती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है और अन्य जो है वो 12 सीटों पर जीते हैं। तो बलरामपुर की अगर बात करें तो सभी 40 वार्ड में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सपा ने 11 वार्ड पर यानी 11 सीट पर कब्जा किया है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा यहां पर पिछड़ गई है, सिर्फ 6 सीट अपने खाते में लेकर आ पाई है, जबकि बसपा की बात करें तो बसपा 10 सीट पर जीत हासिल कर पाई है और कांग्रेस 1 सीट पर, और जो निर्दलीय और अन्य हैं वो कुल 12 वार्ड पर जीते। तो ये बलरामपुर का पूरा अपडेट मिलने लगा है, यानी बलरामपुर में भी अब सभी
40 वार्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, यानी वहां पर पूरी तरीके से मतगणना खत्म हो चुकी है और नतीजे सामने आ चुके हैं। और इन नतीजों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी बलरामपुर में समाजवादी पार्टी बनी है। गोरखपुर से अब अगला अपडेट आपको बता रहे हैं। गोरखपुर जिला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। 68 वार्ड है गोरखपुर में, मतगणना पूरी हो गई 68 वार्ड की। गोरखपुर में सपा और भाजपा को 20-20 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी इन दोनों के प्रत्याशी 20-20 सीट पर आगे हैं। गोरखपुर में बसपा को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अभी मतगणना पूरी हुई है और अभी जो नतीजे हैं वो घोषित होना औपचारिक तौर पर बाकी है। नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कब तक उम्मीद करें कि नतीजे औपचारिक तौर पर घोषित कर दिए जाएंगे? देखिए प्राची, अभी अधिकारियों से हमारी बात हुई है और लगभग 7 से 8 ब्लॉक के ही नतीजे अभी उनके पास आए हैं। अलग अलग ब्लॉक से अभी जो नतीजे हैं उनकी काउंटिंग होने के बाद अभी वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि अधिकारियों को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, जो एकदम एग्जैक्ट जो डेटा है उसको हमें देने में भी अभी परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन फिलहाल जो पार्टी की तरफ से जो घोषित किया गया परिणाम उसको फिलहाल अंतिम परिणाम माना जा सकता है। और 20 सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी भी 20 ब्लॉक में लीड कर रही है, आगे मतलब जीत चुकी है। और इसके साथ ही बसपा को भी 2 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस का प्राची खाता ही नहीं खुल पाया इस बार के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में। 68 ब्लॉक में एक भी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। और इसके साथ ही अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो एक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की, एक प्रत्याशी ने भी सीट निकाली है। तो कुल मिलाकर जो निर्दल प्रत्याशी बच रहे हैं वो कुछ तस्वीरें बदल सकते हैं और रुख भी बदल सकते हैं। और आगे ये देखना होगा कि वो किसके पाले में जाते हैं, क्योंकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बसपा हो, सभी के बागी कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में थे। और इससे ये साफ जाहिर है कि पार्टी अब उनको। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मथुरा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। छाता कोतवाली के बिडावली गांव में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर मथुरा से, जहां चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। छाता कोतवाली के बिडावली गांव में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आ रहा है। अनिल सारस्वत मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त। अनिल, क्या अपडेट है, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताइए डिटेल में। जी मैं बता दूं, छाता कोतवाली के बिडावली गांव का मामला है, जहां पर ये चुनावी रंजिश सामने निकल कर आई है। यहां पर हारे हुए पक्ष ने, प्रधान पद के हारे हुए प्रत्याशी ने एक वोटर को यहां पर अपने घर के सामने रोका और उसके साथ में मारपीट की और पूरा लाठी डंडों से लैस होकर उन पर हमला किया, और जिसमें काफी लोगों के चोट आई है। और उनको यहाँ पर लगभग 20 लोगों को पुलिस ने यहाँ पर नेम्ड किया है और उनको यहाँ पर थाने में अरेस्टिंग भी 10 लोगों की हुई बताई जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 पक्षों में ये मारपीट का मामला सामने आया है, 2 पक्ष आपने सामने आ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये चुनावी रंजिश है और चुनावी रंजिश के 2 पक्ष आमने सामने आए, मारपीट हुई चुनावी रंजिश में। छाता कोतवाली के बिडावली गांव में 2 पक्षों में मारपीट का ये जो मामला है वो सामने आया है। 6 से ज्यादा लोग दोनों तरफ के घायल। तो अब देखिए, जैसे जैसे नतीजे घोषित होना शुरू हो गए हैं वैसे वैसे अब चुनावी रंजिश में मार पिटाई और लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मथुरा से ये मामला सामने आया है, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई है और दोनों ही पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिनको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो एक तरफ जहां पर नतीजे घोषित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन नतीजों से क्षुब्ध होकर, इन नतीजों से प्रभावित होकर बहुत सारी जगहों से मारपीट लड़ाई झगड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं। मथुरा से ये खबर सामने आई है, जहां पर बिडावली में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जो मामला बताया जा रहा है वो चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो एक तरफ जहां नतीजे घोषित हो रहे हैं, यानी एक तरफ जहां पर रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये लड़ाई झगड़ा, ये मारपीट, ये विवाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल लगातार अपडेट्स एबीपी गंगा आपको दे रहा है, नॉनस्टॉप कवरेज, लगातार तीसरा दिन आज एबीपी गंगा के इस नॉनस्टॉप कवरेज का, जिसमें हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं।
तो देखिए मथुरा में जहां एक तरफ विवाद हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है ये हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। पीलीभीत में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है, कौन सी पार्टी ने ज्यादा सीटें अर्जित की हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ बता दें यहां भी रंजिश में हमला किया गया है। प्रधान पद के जीते प्रत्याशी ने विरोधी पक्ष पर हमला कर दिया है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यानी चुनावी रंजिश में विवाद जो है अब लड़ाई झगड़े का रूप अख्तियार कर रहा है। जैसे जैसे अब नतीजे सामने आ रहे हैं, जहानाबाद थाने के लालपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जीते हुए प्रधान पक्ष ने दूसरे पक्ष पर यानी हारे हुए पक्ष पर हमला कर दिया है। पुलिस ने हालांकि यहां पर गिरफ्तारियां जो हैं वो जरूर कर ली हैं, कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार मतगणना के बाद जो रुझान आना शुरू हुए हैं, उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के चलते तो चुनावी रंजिश को लेकर जो आपसी मतभेद चले आ रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं घटनाएं भी सामने निकल कर आने लगी है। जिसको लेकर थाना जहानाबाद के लालपुर गाँव में भी एक मामला देखने को मिला, जहाँ प्रधान पद का प्रत्याशी जो चुनाव जीत के आया तो विपक्षी प्रत्याशी ने अपने दबंग लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और जान से मारने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रिया विक्रांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हारे हुए पक्ष ने हमला किया है जीते हुए पक्ष पर। जैसे ही जीता हुआ पक्ष गांव में दाखिल होता है, हारे हुए प्रत्याशी ने अपने कुछ दबंगों के साथ मिलकर हमला कर दिया जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि मामला जरूर पुलिस ने दर्ज कर दिया है, पुलिस को सूचना दी गई और मामले को फिलहाल वहां पर शांत करा लिया गया है, लेकिन आरोपी पक्ष पर मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया है। तो पीलीभीत से खबर और एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं। चलो टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। ABP गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खून को शुद्ध करके चेहरे पर निखार लाने और त्वचा विकार से मुक्ति पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियां हैं कायाकल्प, नीम व गिलोय घनवन। छिड़काओ वर्टाको, वर्टाको सिंजेंटा वर्टाको, शुरुआती तना छेदक से करे मुक्त, बड़े जड़े गल्ले पैदावार खूब, सुरक्षा भी शक्ति भी। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आई विल क्लीन दिस सिटी। हमारे देश में मोड़ ही मोड़ है, कभी हाईवे वाला मोड़, गोल चक्कर वाला मोड़,
ओए गुड्डू की परात वाला मोड, ओए होए ब्रा, स्टाइल वाला मोड, हवलदार के बाएं हाथ वाला मोड, बहते पानी वाला मोड, उड़ते गुलाल वाला मोड, अ वाइड रेंज ऑफ टायर्स जो दे हर मोड पे कॉन्फिडेंस, TVS यूरो ग्रिप टायर्स, टायर्स फॉर अ कंट्री फुल ऑफ टर्न्स। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। Vivo लाया है भारत का पहला 44 मेगापिक्सल नाइट OIS सेल्फी ऑटोफोकस कैमरा फोन, Vivo V21 5G सीरीज। अभी बुक करें और पाएं मौका दूसरा Vivo V21 जीतने का। और ये रहा लास्ट ऑर्डर। थैंक यू। एक 20 प्लेट नूडल्स ले लो। अब काम पे ध्यान नहीं दोगे क्या? दूंगा, दाग पे नहीं दूंगा। निर्मा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स, सिद्धि दाग मिटाए बड़ी आसानी से। निर्मा एडवांस, आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम। शासन को राजधर्म, प्रशासन को फर्ज और कर्म याद दिलाएंगे हम। बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी, बात तो चुभेगी। देखिए रोहित सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। बात तो चुभेगी को प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल तेल, इंडिया नंबर 1 आयुर्वेदिक शिशु मालिश तेल, को पावर्ड बाय मेक दूध सिम मैग 19, दो गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन। टेक पार्टनर अपग्रेड टू HP। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। ABP गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार ये बड़ी कवरेज, नॉनस्टॉप कवरेज एबीपी गंगा की जारी है, जिसमें आप हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो हाथरस से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो 24 वार्ड की मतगणना पूरी हो गई है। बड़ा अपडेट हाथरस से, हाथरस में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि निर्दलीय ही 10 सीट पर आगे चल रहे हैं। हाथरस में सपा RLD गठबंधन 7 वार्ड में आगे चल रहे हैं, और अगर हम बाकी दलों की बात करें तो भाजपा 5 वार्ड में आगे चल रही है और बसपा 2 वार्ड में आगे चल रही है। मतगणना पूरी हो गई है और ये अभी तक के रुझान है। अभी औपचारिक ऐलान, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है नतीजों का, लेकिन मतगणना जो 24 वार्ड की थी वो पूरी हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और किसी भी यहाँ पर राजनीतिक दल को ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों का समर्थन बहुत ज्यादा संख्या में मिला है, क्योंकि 10 सीट तो निर्दलीय जीत रहे हैं, जबकि सपा और RLD का गठबंधन 7 वार्ड में अपनी पकड़ बनाए हुए है। भाजपा 5 में और बसपा 2 वार्ड में आगे चल रही है। तो हाथरस जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सभी 24 वार्ड की मतगणना पूरी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट, किसी दल को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लगभग सभी बराबरी पर हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जरूर 10 सीट जीत रहे हैं, सपा RLD गठबंधन 7 वार्ड में जीत हासिल कर सकता है। हाथरस की बात करें तो भाजपा 5 और बसपा 2 वार्ड में आगे चल रही है। बड़ा अपडेट, हाथरस जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। सभी 24 वार्ड की मतगणना पूरी हो गई है, सभी 24 वार्ड की मतगणना हाथरस में पूरी हो गई है। हाथरस में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, निर्दलीय 10 सीट पर आगे हैं। हाथरस में सपा और RLD गठबंधन 7 वार्ड पर आगे हैं उनके प्रत्याशी। भाजपा की बात करें तो भाजपा 5 सीटों पर आगे है और बसपा 2 वार्ड पर आगे चल रही है। यानी अब धीरे धीरे करके तमाम जिलों में जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। लगभग सभी जगह पर मतगणना पूरी हो चुकी है और अब औपचारिक और आधिकारिक ऐलान होना बाकी रह गया है।
हालांकि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, यानी थोड़े और इंतजार के बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक भाजपा पीछे छूट गई है और समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। गोंडा का अपडेट क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। गोंडा में कितने प्रत्याशी जीते हैं, कौन सी पार्टी से जीते हैं। गोंडा जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 64 वार्ड में मतगणना पूरी हो गई है। गोंडा में 64 वार्ड हैं जहां पर मतगणना पूरी हो चुकी है, गिनती पूरी हो चुकी है। गोंडा में निर्दलीय और सपा ने अपना परचम लहराया है, यानी निर्दलीय और सपा के प्रत्याशी ज्यादा संख्या में जीते हैं। सपा की 19 और निर्दलियों की 25 वार्ड में जीत हुई है, जबकि भाजपा की 18 और बसपा की 3 वार्ड में जीत हुई है। यानी भाजपा और सपा की यहां नेक टू नेक फाइट देखने को मिली है, क्योंकि 19 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं तो 18 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। सिर्फ एक सीट का फासला भाजपा और सपा में दिखाई दिया है। कुल 64 वार्ड जहां पर मतगणना पूरी हो गई है और निर्दलियों ने यहां पर परचम लहराया जीत का, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बात करें तो निर्दलियों के खाते में 25 सीटें गई हैं। और अब आइए आपको कासगंज का भी अपडेट दे देते हैं। कासगंज से क्या अपडेट मिल रहा है आपको बता देते हैं। कासगंज में भी अब मतगणना पूरी हो चुकी है और कासगंज में भी मतगणना पूरी होने के बाद किसने परचम लहराया है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कुल 23 वार्ड हैं कासगंज में जिनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जिनके नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। कासगंज के 10 वार्ड में जीत के साथ सपा सबसे बड़ी पार्टी कासगंज में बनी है। कासगंज में भाजपा की 7 सीटें आई हैं, यानी 3 सीटें कम सपा से, बसपा की 4 और अन्य को 2 वार्ड मिले हैं। तो कासगंज की अगर बात करें तो कासगंज में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई है। 23 वार्ड हैं कुल कासगंज में, 23 में से 10 सीटों पर यानी 10 वार्ड पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है, देखते रहिए एबीपी कब्जा। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। जर्म्स को किल करने व इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पतंजलि ने रिसर्च बेस्ड जर्मियक्स बाथ सोप सैनिटाइजर तैयार किया है जो विदेशी प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा असरदार है। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। policybazaar.com पर 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके घर बैठे खरीदिए। policybazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। फसलों की जान फ्यूराडान, वर्षों से किसानों की नंबर एक पसंद फ्यूराडान, फ्यूराडान, फ्यूराडान आपके नजदीकी विक्रेता के यहाँ उपलब्ध है। डबल ग्लूकोज, ये बच्चों को दे फुल पावर एनर्जी और इसकी विटामिन सी और डी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे। चाहिए एनर्जी और इम्यूनिटी साथ साथ तो डबल ग्लूकोज। रोज तो तू पिज्जा मांगता है, आज ड्राई फ्रूट खा रहा है, तबीयत तो ठीक है। माँ मेरा मैथ्स का एग्जाम है तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाऊंगा तो दो बातें होंगी, या तो मेरे मार्क्स कम आएंगे या तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मार्क्स कम आए तो ठीक, अगर मैं फेल हो गया तो दो बातें होंगी, या तो टीचर से डांट पड़ेगी या फिर टीचर आपको स्कूल में बुलाएगी। डांट पड़े तो ठीक, अगर आपको स्कूल में बुलाया तो कल मिसेस शर्मा को किटी पार्टी में आप क्या मुँह दिखाएंगे। तो समझे बच्चों, इसीलिए साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। अपना ये 100% ऑयल कंटेंट वाले नरिश ड्राई फ्रूट्स, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। और ये रहा लास्ट ऑर्डर। थैंक यू। इके 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 20 प्लेट नूडल्स लेगा। अब काम पे ध्यान नहीं दोगे क्या? दूंगा, दाग पे नहीं दूंगा। निर्मा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स, सिद्धि दाग मिटाए बड़ी आसानी से। निर्मा एडवांस।
आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम। शासन को राजधर्म, प्रशासन को फर्ज और कर्म याद दिलाएंगे हम। बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी, बात तो चुभेगी। देखिए रोहित सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे बात तो चुभेगी। को प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल तेल, इंडियाज नंबर वन आयुर्वेदिक शिशु मालिश तेल। को पावर्ड बाय मेक दूध सिम मैग 19, दो गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन। टेक पार्टनर अपग्रेड टू HP। एबीपी गंगा, खबर आपकी, सुबह आपकी। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। एबीपी गंगा की नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। आज तीसरे दिन भी हम लगातार बने हुए हैं, डटे हुए हैं पूरे जोश के साथ, क्योंकि हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि एक भी खबर उनसे नहीं छूटेगी, एक भी अपडेट उनसे नहीं छूटेगी। वो घर बैठकर ही अपने जिले, अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी एबीपी गंगा से हासिल कर सकते हैं और लगातार अपडेट्स मिल रही हैं। अभी तक का जो ओवरऑल अपडेट है वो ये है कि 750 सीटों पर भाजपा आगे है, जबकि 760 सीटों पर सपा। सीतापुर से जिला पंचायत चुनाव मतगणना का भी सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है। मतगणना की तीसरे दिन बाद भी नतीजों का ऐलान अभी सीतापुर में नहीं हुआ है। दर दर भटक रहे हैं जिला पंचायत चुनाव के प्रत्याशी। ये एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, बड़ी चूक देखी जा रही है, व्यवस्थाओं में चूक देखी जा रही है। सभी प्रत्याशियों को कल जिला मुख्यालय बुलाया गया है। देखिए आज तीसरा दिन है मतगणना का और जब लगभग तमाम जगहों पर नतीजों की घोषणा कर दी गई है तो कुल 79 वार्ड हैं सीतापुर में जहां पर अभी नतीजों का ऐलान नहीं किया गया है और इसी वजह से जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अब कल उन्हें जिला मुख्यालय बुलाया गया है, यानी कल ये हो सकता है कि सीतापुर में नतीजों का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन सीतापुर में व्यवस्थाओं की बड़ी चूक देखने को मिल रही है, क्योंकि तीसरे दिन होते हुए भी, आज तीसरा दिन हो गया है मतगणना होते होते, उसके बावजूद अभी तक नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है। और बाराबंकी से भी एक अपडेट मिल रहा है। बाराबंकी मतगणना से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। बाराबंकी जिला पंचायत चुनाव मतगणना पर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बाराबंकी के सभी 57 वार्ड के नतीजे अब घोषित कर दिए गए हैं। बाराबंकी में कुल 57 वार्ड हैं, जिनमें से सपा ने 24 सीट पर जीत दर्ज की है। बाराबंकी में सपा ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है, ये जानकारी मिल पा रही है। यानी बाराबंकी जिला पंचायत में 57 वार्ड जिनमें से सपा ने बड़ी जीत हासिल की है। सपा ने कुल 24 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं। बड़ा अपडेट इन पंचायतों से जुड़ा हुआ, इन पंचायत इलेक्शन से जुड़ा हुआ, जिला पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा अपडेट। सपा ने फिर बना ली है बढ़त, 760 वार्ड में आगे है।
है समाजवादी पार्टी और भाजपा 719 और बसपा 381, यानी फासला बढ़ गया। देखिए अभी तक 10 सीटों का फासला था, लेकिन अब फासला ज्यादा हो गया है क्योंकि 719 सीट पर भाजपा आगे चल रही है, जबकि 760 सीट पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से टैली में उलटफेर हुआ है और उलटफेर कुछ इस तरीके से हुआ है कि सपा ने बड़ी बढ़त ले ली है, 760 सीट पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, लगातार अब अपडेट्स मिल रहे हैं, लगातार उलटफेर हो रही है, नेक टू नेक की टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है। देखिए प्राची, जो यूपी की सियासत का ये जो सेमीफाइनल है वो ये बताता है कि जो फाइनल होगा वो बेहद रोमांचक होगा। रोमांचक इस लिहाज से होगा कि बिना तैयारी के समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुई है, यानी अखिलेश यादव फ्रंट पर नहीं थे, संगठन के लोग नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष जो नरेश उत्तम है, आपने देखा होगा न सुना होगा कि कहीं पंचायत चुनाव में बहुत सक्रियता से लगे हुए थे। समाजवादी पार्टी के अगर कार्यालय में चले जाए वहाँ सुनापन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वार लेबर अध्यक्ष है, वो लगातार दौरे कर रहे थे और सुनील बंसल भी बैठक ले रहे थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, सांसदों की ड्यूटी लगाई गई थी, विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये विचार करना होगा कि किस रूप में ये रिजल्ट आ रहा है, यानी पंचायत का चुनाव ग्रामीण अंचल का चुनाव है, गांव का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, ऐसे में जमीनी हकीकत क्या है, यानी शहर से इतर गांवों में किस पार्टी का दबदबा है। बिना तैयारी के समाजवादी पार्टी को अगर वोट मिल रहे हैं तो यानी ये साफ जाहिर है कि स्वतः स्फूर्त लोग मतदान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, इससे जाहिर है, इससे किसी भी राजनीतिक पंडित को कोई इससे अलग राय नहीं रख सकता। अगर राय रख सकता है तो वो कुतर्क कर रहा है, यानी बिना तैयारी के समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहे हैं, सीट मिल रही है, जिससे जनता लगातार इस बात को दिखा रहा है। मैं आपको बताऊं कि उससे पहले के जो पंचायत चुनाव होते थे वो कभी भी इस रूप में कवरेज नहीं होती थी, तो कोई भी पार्टी अपने आप खड़े होकर बोलती थी कि मैं 1000 सीट पा गया, तो कोई बोलता था कि 1900 पा गया, कोई बोलता था 2000 पा गया, सब अपने अपने दावे करते थे और कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन एबीपी जगवा ने इस बार साफ जाहिर कर दिया है, जो निरंतरता हम बनाए हुए हैं कवरेज में और इसी की जो जरूरत है, सभी पार्टियां आंख गड़ाए बैठी हुई है, इसलिए आंकड़ों का खेल कोई बता नहीं सकता, न भारतीय जनता पार्टी, न बसपा, न कांग्रेस, न सपा ये बता नहीं सकती कि हम इतना सीट पाए थे, इतना सीट पाए। अमूमन हम लोग राजनीति कवर करते हैं, इस बात का एहसास है कि पंचायत चुनाव में जब रिजल्ट निकलते थे सब अपने अपने दावे करते थे और उस दावे को झुठलाने के लिए किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता था। लेकिन एबीपी गंगा ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर कोई दावा करता है तो एबीपी गंगा पर जो रिजल्ट है वही सच है, वही सत्य है, क्योंकि हम एक एक जगह गए हैं, एक एक मतदान केंद्र पर गए हैं, बूथ पर गए हैं, मतगणना जहां हो रही है वहां हमारे संवाददाता निरंतर काम कर रहे हैं, घंटे काम कर रहे हैं और टीवी के इतिहास में जो टीवी चैनल का इतिहास है पंचायत चुनाव को कभी बिल्कुल देखिए हम विश्वास पर खरा उतरे हैं जनता की, हमने जो वादा किया था वीरेश हमने वो निभाया है और इसलिए निरंतर 3 दिन से हमारी ये कवरेज भी जारी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब सीधा हम बनारस का रुख कर लेंगे, मेरे सहयोगी नीतीश पांडे वहां से जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या अपडेट है आपके पास, ये जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं क्योंकि रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं, पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो कैसा असर रहा है, पूर्वांचल का नतीजा क्या कह रहा है नीतीश? नीतीश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए नीतीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अभी जो बड़ा उलटफेर हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। और बड़ा उलटफेर ये हुआ है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है और समाजवादी पार्टी 660 वार्ड पर आगे हो चुकी है। और अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा 619 वार्ड पर आगे है। नीतीश का एक बार फिर से रुख करेंगे, वो हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। नीतीश, पूर्वांचल की अगर बात करें, देखिए ओवरऑल आंकड़ा तो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिसमें भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, अगर हम बात कर लें पूर्वांचल की तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या कहता है आंकड़ा, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? नीतीश, आपको आवाज मिल रही है? जी प्राची,
सवाल एक बार और दोहरा दे। बिल्कुल नीतीश, देखिए सवाल ये है कि हम पूरा ओवरऑल आंकड़ा तो अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं और दर्शकों की सहूलियत के हिसाब से हम क्षेत्र वाइज भी चीजों को बांटकर दिखा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पूर्वांचल के लिहाज से ये जो जिला पंचायत का चुनाव है वो क्या कहता है, कौन सी पार्टी बाजी मार ले गई? प्राची, अगर सच बात कहें तो इस बार के जो पंचायत चुनाव है उसमें सपा का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो बनारस हो, आजमगढ़ हो या कोई अन्य जिला हो। हर जगह समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा है। कई जगहों पर बीजेपी भी आगे दिखाई दी, लेकिन अगर बड़े स्तर की बात करें तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर इस पूरे पंचायत चुनाव में आगे निकल कर आई है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी, इतने बड़े बड़े दावे, लेकिन गांव तक संदेश क्यों नहीं पहुंचा? कई बार अजी अगर बात करें तो फोन पर हमारी कई यहां के नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे हैं। और कई चीज आपको बता दें कि बीजेपी में इस पूरे चुनाव को लेकर अंतर्कलह जैसी भी चीज सामने आई है, यानी बीजेपी के नेता ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दूसरे जो पार्टी का प्रत्याशी है उसको हराने की जुगत में लगे रहे, ये भी बात सामने आई है। तो कई बातें सामने आ रही हैं। एक तो गांव तक बड़े नेताओं का, जो प्रभावशाली नेता है, उनका पहुंचना नहीं। दूसरा अगर बात करें तो जो प्रभावशाली नेता है वो अपना प्रभाव तो ना छोड़ पाए। इसके अलावा अगर देखें तो पार्टी की फूट का अगर जो बात करें, अंतर्कलह जैसी जो बात सामने आई है वो भी प्रभावित करती रही, और जनता तक सरकार का मैसेज पहुंचाने में जो लोग नाकाम हुए हैं वो भी एक बात सामने आई। कोरोना और कोरोना का दुष्प्रभाव अपनी जगह था। तो ये सारे कारण मिलके जो सपा की सीट है उनको बढ़ाने का काम किया है। अभी बनारस में दो सीटों पर रिकाउंटिंग चल रही है और वहां पर जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी अगर बात करें एक सीट पर तो सेक्टर एक से, हरुआ ब्लॉक के सेक्टर एक से समाजवादी पार्टी, और एक सेक्टर से बीजेपी का एक प्रत्याशी विजयी हो चुका था, लेकिन बसपा के प्रत्याशी ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की और यहां पर रिकाउंटिंग जारी है। अब रिकाउंटिंग के नतीजे क्या होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो स्थिति है सपा का झंडा बुलंद है इस पूरे पंचायत चुनाव में। प्राची, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो बुलंद नजर आ रहा है जैसा आप बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अंतर्कलह है भाजपा की वो भी सामने आ रही है। लेकिन हम बात करें अगर अन्य की, तो नीतीश जो अन्य हैं, जो निर्दलीय हैं, उनका भी अच्छा खासा परचम लहरता हुआ नजर आया है। उन्होंने भी अच्छी खासी सीट पर अपना कब्जा किया है। बनारस की बात करूं तो यहां पर किस तरीके की स्थिति है, जो निर्दलीय और जो अन्य हैं कितनी सीटें अपने खाते में डाल पाए? प्राची, अगर पूरा आंकड़ा बता दूं तो समाजवादी पार्टी 15, बीजेपी 7, सपा 15 है, और इसके साथ ही बसपा की बात करें तो 5, कांग्रेस 5, 2 सीट पर सुभाषपा, और 6 सीट निर्दलीय के खाते में। अगर ये 6 सीटें भी निर्दलीय के खाते में जा रही हैं तो ये कहना गलत ना होगा कि निर्दलीयों पर भी जो आम जनता है, जो ग्रामीण जनता है, उनका खास तौर पे उनका आकर्षण देखने को मिला है। अब बता दें कि जिस तरह से पार्टीज हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की बात करें, पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये शिकायत करते रहे कि हमारे जो प्रभावशाली नेता हैं वो जमीन पर नहीं उतर रहे। अगर बनारस में बात कर लें तो जिलाध्यक्ष और एक अन्य नेता को छोड़कर कोई हमको गाँव में घूमता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसके अलावा अगर अन्य पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी में भी, तो समाजवादी पार्टी जो कि कही जाती है कि इस पूरे पंचायत चुनाव का समीकरण आज का नहीं बल्कि पुरातन तौर पे भी देखें तो पूरे पंचायत चुनाव के समीकरण को भलीभांति जानती है समाजवादी पार्टी, और वो समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में सफलता हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब हुई है। और अगर बात करें बसपा, जिसको कहा जाता है कि जिसका जमीनी वोट ग्रामीण वोट होता है, बसपा की वोट में और इसके साथ ही बीजेपी के वोट में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सेंधमारी की है। और अन्य दल अगर बात करें तो कांग्रेस, कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम पंचायत चुनाव में बड़े जोरों शोरों से एकदम तैयारी में हैं, जमीन तक जा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, पूरी तैयारी हुई थी, बाकायदा एक विंग इसके लिए अपना पूरी तैयार की गई थी कि आप गांव-गांव जाएं, अपनी चीज़ों को बताएं, अपनी जो रणनीति है उनको बताएं। तो ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी मात्र 5 सीट, यानी कांग्रेस को भी जनता ने नकारा है, ग्रामीण जनता ने नकारा है। और 6 सीट, जो 6 सीट साफ तौर पे अगर है, 6 सीट जिस तरह से निर्दलियों को मिली है और 2 सीट सुभाषपा को मिली है, सुभाषपा समर्थित जो प्रत्याशी है 2 सीट मिली है, तो सुभाषपा के प्रति भी थोड़ा सा आकर्षण है। लेकिन 6 सीट जो अगर बात करें निर्दलीय लोगों की, तो जिस तरह से स्थानीय जनता का चुनाव होता है इसमें नेता वही होता है जिसको आम जनता पहचाने, उस तरह की चीज़ें भी बनारस में देखने को, और सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि बनारस से सटे हुए जो अन्य जिले हैं वहाँ पर भी देखने को आई है। तो सोचना होगा, सोचना इस बार बीजेपी को होगा कि जो अपने इस चुनाव को, जिसे सेमीफाइनल के तौर पे, विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे लिया जा रहा था, उस चुनाव को कैसे खोया, क्यों खोया, आखिर कभी कहाँ रह गई। जी प्राची,
बिल्कुल नीतीश, कमी कहां रह गई ये तो अब सोचना होगा भाजपा के नेताओं को भी। नीतीश, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या आधिकारिक तौर पर बनारस के जितने भी वार्ड हैं सब पर नतीजे घोषित हो गए हैं? बस एक वो सीट जहां पर दोबारा से रिकाउंटिंग हो रही है, यानी जहां पर दोबारा मतगणना हो रही है, उसको छोड़कर? रांची अभी आधिकारिक तौर पर पूरी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो काउंटिंग है अभी सिर्फ दो सीटों पे रिकाउंटिंग अभी जारी है, बाकी अन्य सारी सीटों की काउंटिंग जो मतगणना है वो पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। कई के प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। अब आपको बताएं, एक मामला यहाँ और सामने आया है जो समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी। वो ये कह रही है कि जैसे ही इन लोगों की काउंटिंग पूरी होती है, इनको जीत जीत की घोषणा हो जाती है इनकी, फिर इनको प्रमाण पत्र देने के लिए बुलाया जाता है और फिर बाद में इनको कहा जाता है कि आप तो चुनाव हार गए। तो कई सारे आरोप भी रहे हैं और कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अभी जो रिकाउंटिंग है, अगर कहें यहाँ पर तो रिकाउंटिंग जारी है, रिकाउंटिंग के बाद जो नतीजे सामने आएंगे ये देखना है कि ये दो सीटें किसके खाते में और जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं डाउन दिख रहा है इस चुनाव के नतीजों के बाद से। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद मनोबल कम दिखना जाहिर सी बात है। और उधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीतीश इस बार कुछ अलग ही नजर आ रहा है। नीतीश, क्या वजह आपको समझ में आती है? देखिए, हमारी इतनी बड़ी कवरेज और लगातार आप ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, बिना थके बिना रुके आप हमारे दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्या वजह आपको समझ में आती है? लोगों के बीच में आप रहते हैं, जो इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है भाजपा की बनारस में? प्राची, अगर बता दे तो बनारस तो कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है और गांव में विकास भी हुए, कई गांव में विकास हुए और कई गांव जो हैं वो ये भी कहते रहे कि हम विकास से अभी भी थोड़े बहुत अछूते रह गए, लेकिन वहां पर भी अगर बात करें तो बिजली पानी की व्यवस्था लगभग 100% गाँव में हुई है। लेकिन आखिर कहां बीजेपी अपना मैसेज लेने में कहां गलत रह गई, कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि क्या लगता है, तो पहला समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पुरातन रणनीति जिसको कहते हैं कि पंचायत चुनाव का जो समीकरण है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरह से समझते हैं और शायद यही वजह है कि वो कहते हैं कि हम जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करते हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो बसपा का वोट कहा जाता था, बसपा भी अपने आप को दावे करती थी कि जो ग्रामीण जनता है, जो दलित जनता है, वो हमें बहुत चाहती है, वो हमें बहुत मानती है और हमें वोट करती है। तो बीजेपी ने पिछले चुनावों में इस पूरे वोटों में सेध लगाई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने उन वोटों में सेधमारी कर दी। और इसका साफ तौर पर जो बड़ा मामला जो सामने आया है, नेताओं का जनता के बीच न जाना और इसके साथ जिन उम्मीदों से जनता अपने जनप्रतिनिधि को देखती है उन उम्मीदों पर खरा न उतरना। तीसरा अगर कहें तो कोरोना की विभीषिका और विभीषिका के बीच जनता की परेशानी और जनप्रतिनिधियों का गायब होना, यानी हर एक चीज़ में आप जनप्रतिनिधियों का कहीं ना कहीं, स्थानीय प्रतिनिधि की बात मैं कर रहा हूँ, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का कहीं ना कहीं गायब होना एक बड़ा कारण समझ में आ रहा है। और इसके साथ ही विकास का जो एजेंडा था, विकास का जो मंत्र था, वो जनता के बीच इन लोगों ने पहुंचाया नहीं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। और अगर बात करें जनता का, अगर जो सबसे बड़ी बात है, जनता, ग्रामीण जनता इसको बदलाव के तौर पर भी देख रही है। प्राची, जिस तरह से पिछले चुनावों की बात करें और उसके पिछले चुनावों की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपनी बढ़त बनाती थी जनता के बीच जाकर, इस बार भी समाजवादी पार्टी के नेता जनता के बीच पहुंचे, पहुंचने के साथ जनता को अपना संदेश दिया और उन्हें मोटिवेट करके जिस तरह से जीत हासिल की है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के खेमे को सोचने पर मजबूर करती है। आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसमें बड़ी मेहनत की जरूरत है, उस तरीके के नतीजे रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमान संभाली थी और जोर शोर के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा था, उस तरीके के रिजल्ट नजर नहीं आ रहे हैं, तो रणनीति में बदलाव तो कहीं ना कहीं करना होगा। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और नॉनस्टॉप कवरेज में लगातार अपनी सहभागिता निभाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि लगातार जारी है एबीपी गंगा की ये बड़ी कवरेज। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार।
बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, तीन लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से तीन लोग बीमार, इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्धता की। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूट्रिला सोया चंक्स में है 52% प्रोटीन, जो 15 कटोरी दाल, 16 अंडों में 17 ग्लास दूध के बराबर है। न्यूट्रिला सोया चंक्स माने हेल्दी प्रोटीन का धाकड़ विकल्प। हर पल है वेलकम, हर दिल यहाँ। जिंदगी का टेस्ट बदलता है जब इंडिया घुलता मिलता है। रूह अफजा, घुल के जियो। अब 10 रुपए में रूह अफजा सैशे लीजिए क्विक रिचार्ज। फसलों की जान फ्यूराडान, वर्षों से किसानों की नंबर एक पसंद फ्यूराडान, फ्यूराडान, फ्यूराडान आपके नजदीकी विक्रेता के यहाँ उपलब्ध है। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। वीवो लाया है भारत का पहला 44 मेगापिक्सल नाइट OIS सेल्फी ऑटोफोकस कैमरा फोन, वीवो V21 5G सीरीज। अभी बुक करें और पाए मौका दूसरा वीवो V21 जीतने का। आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम, शासन को राजधर्म, प्रशासन को फर्ज और कर्म याद दिलाएंगे हम, बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी, बात तो चुभेगी। देखिए रोहित सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। बात तो चुभेगी को प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल तेल, इंडियाज नंबर वन आयुर्वेदिक शिशु मालिश तेल, को पावर्ड बाय मेक दूध सिम मैग 19, दो गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन, टेक पार्टनर अपग्रेड टू HP। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज। ABP गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार। स्वागत है आपका एक बार फिर से ABP गंगा के इस मेगा कवरेज पे। नॉनस्टॉप कवरेज ये जारी है लगातार तीसरे दिन। आज हम बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर और आप तक पहुंचा रहे हैं हर एक अपडेट। और इस बीच सोनभद्र से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, सोनभद्र जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। सोनभद्र से भी अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सोनभद्र के सभी
31 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। कुल 31 वार्ड हैं जिन पर नतीजे घोषित हुए हैं। यहां पर भी सपा का दबदबा है। सपा ने 10 वार्ड पर जीत हासिल की है तो भाजपा ने 5 वार्ड पर जीत हासिल की है। बसपा और अपना दल ने 3-3 वार्ड में जीत हासिल की है। कुल 31 वार्ड हैं जिनमें से निर्दलीय और अन्य को 10 वार्ड मिले हैं, यानी 10 वार्ड पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो नतीजे घोषित हो चुके हैं 31 वार्ड के। 31 कुल वार्ड हैं सोनभद्र में और नतीजे अब पूरे घोषित हो चुके हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 10 सीटें यानी 10 वार्ड समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में किए हैं। समाजवादी पार्टी के 10 प्रत्याशी जीते हैं। बात अगर भाजपा की करें तो कुल 5 प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं। और अगर बसपा और अपना दल की बात करें तो 3-3 वार्ड अपना दल और बसपा के खाते में गए हैं, जबकि 10 वार्ड अन्य और निर्दलीय को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सोनभद्र का अपडेट मिल रहा है। और अब देखिए, ये समझा जा सकता है कि कुछ घंटों बाद ये जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और जो रुझान है वो पूरी तरीके से नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अभी तक के जो रुझान है, अभी तक का जो अपडेट है, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी की सहूलियत के लिए हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर टेली चला रहे हैं, ताकि आप देखकर भी ये पता लगा सके कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है और नतीजे और रुझान अभी तक क्या कह रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो 719 सीट पर भाजपा आगे है, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी आगे हो गई है 760 सीटों पर। समाजवादी पार्टी अब आगे चल रही है। बात अगर हम करें बसपा की तो 381 सीटों पर बसपा आगे है। कांग्रेस 76 सीटों पर आगे है। और जो अन्य और निर्दलीय जिनका जिक्र सबसे ज्यादा इस पूरे चुनाव में हो रहा है वो हैं 1114 उनके खाते में जो सीट है वो जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब फाइनल घोषणा हो जाएगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ी है। बहरहाल इन नतीजों को देखकर, इन रुझानों को देखकर ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं 2022 में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है भाजपा को। समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ा मुकाबला दिया गया है भाजपा को। और उस मुकाबले की अगर बात करें, उस कड़ी टक्कर की अगर बात करें, तो अभी आलम यह है, अभी का अपडेट यह है कि 719 पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 760 वार्ड पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। ये पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण क्यों थे ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले के पंचायत चुनाव थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लिटमस टेस्ट हैं 2022 के, और इसीलिए सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई है। देखिए, लगातार मतगणना की अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तरकाशी के कुमराड़ा और बलडोगी गांव के पास बादल फटने की खबर मिल रही है। कुमराड़ा गांव के पास एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, जिसके मलबे में दबकर दो भैंस और एक बकरी की मौत हो गई है। वहीं 4 मकानों को भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। तो ये आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने की वजह से एक मकान उसकी चपेट में आ गया है, एक मकान ध्वस्त हुआ है, कुछ मकानों को आंशिक का नुकसान पहुंचा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अभी मौके पर मौजूद है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए मलबा आपको नजर आ रहा होगा, मलबा भारी संख्या में आ गया। देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब बादल फटा तो कितनी बड़ी संख्या में और कितनी रफ्तार के साथ जो मलबा था वो तेजी के साथ नीचे गिरा और इसमें एक मकान ध्वस्त हो गया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पशुओं की मौत इसमें हुई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। चमोली की बिनसर पहाड़ी का ये पूरा मामला है, पूरा घटनाक्रम है, जहां पर बादल फटा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। बादल फटने से तबाही मचने की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जब बादल फटा तो भारी संख्या में जो मलबा है, जो भारी मलबा है, वो नीचे की तरफ तेजी के साथ आया, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है इस बादल फटने की वो ये मिली है कि एक मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, बाकी कई मकान हैं जिन्हें आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। और अभी जो पशु हैं उनकी मौत की खबर मिल रही है। हालांकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही
जो हालात हैं वो सामने आ पाएंगे कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। आवासीय मकान, दुकानें और वाहन इस मलबे में दब गए हैं, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है। शुरुआती जानकारी अभी तक ये मिल रही है, यानी चमोली के बिनसर पहाड़ी में बादल फटने की वजह से ये हादसा हुआ। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मौके से? राठी, देखिए मौके से यही जानकारी है, क्योंकि वहाँ भारी बारिश हो रही है और शाम के समय देर शाम वहाँ पर बादल फटने की एक घटना हुई और ये घटना बहुत ही भयानक थी। लेकिन एक ईश्वर का शुक्र बस इसी बात का रहा कि वहाँ पर कोई जान की हानि नहीं हुई है। हालांकि घरों में मलबा घुस गया, लोग काफी हताहत भी हुए हैं और जो घर हैं उनके घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, रास्ते टूट गए हैं। तो ये बहुत ही भयानक तरीके का था। और प्राची, मैं एक बात आपको और बता दूं कि कल ये एक दिन पहले की घटना, उत्तरकाशी के चिन्याली छोड़ में भी एक बादल फटने की बड़ी घटना हुई थी। उसमें भी जान की तो हानि नहीं हुई लेकिन माल की काफी हानि हुई थी। और ये एक अनुसंधान का विषय है, ये जो चमोली का घाट ब्लॉक मुख्यालय है, हर साल किसी भी बरसात, कोई भी बरसात ऐसी नहीं गई जब यहाँ पर बादल फटने की घटना ना होती है। तो अब कम से कम वैज्ञानिकों को यहाँ का ये इस बात का अध्ययन कर लेना चाहिए कि घाट ब्लॉक मुख्यालय पर ही हमेशा बादल क्यों फटता है और हर साल क्यों फटता है। तो ये बादल फटने की जो घटनाएं यहाँ पर हो रही है बेहद गंभीर है। बिल्कुल अजीत, आप नजर यहाँ पर बनाए रखिएगा, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार एबीपी गंगा पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, तीन लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से तीन लोग बीमार, इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्धता की। टीहू का सपना जिम्नास्ट बनने का था, लेकिन उसने खुद को समझाया